हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभ्यास 12.2 का तीसरा क्वेश्चन देखो। राधा ने एक रंगदार कागज़ नाल एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया है, जिमें कि दिखाया गया है। देखो हवाई जहाज़ बनाया उन्हें, वरतों किए गए कागज़ का कुल खेत्रफल पता करना कि कागज़ किन्ना लगा इस हवाई जहाज़ नूं। देखो ये किन्ने हिस्से किए, उन्होंने 5 हिस्से किए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो पंजवा। आप जो हवाई जहाज़ का खेत्रफल पता करना है तो की करांगे, सारे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पंजवें हिस्से का खेत्रफल कढ़ के अलग अलग तो उन्होंने जोड़ लवेंगे। पहला देखो हवाई जहाज़ के पहले हिस्से का खेत्रफल, देखो इधर 5 सेंटीमीटर था भी 5 सेंटीमीटर, इधरों आ कि अपने को देखो ये 1 सेंटीमीटर था भी 1 सेंटीमीटर। तो ये मैं कि कह ला लिया, क्योंकि त्रिभुज अपने को त्रिभुज मैं कि कर लिया अपना फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला ला लिया। ठीक है, ए आ गया अपने को 5, बी 5, सी अपने को ए बी सी लिखने तो बाद एस कढ़ लिया, आप एस आ गया 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का खेत्र वाला फॉर्मूला ला लिया, आप फॉर्मूला लाने तो बाद 75/100 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हुण उस तो बाद हिस्से दो दा, हिस्सा दो देखो अपने कोल की है, इतों लैके इत तक एक आयत, इहदा मतलब हिस्सा दो की अपने कोल आयत का खेत्रफल। देखो आयत की लंबाई किनी 6.5, चौड़ाई किनी 1 सेंटीमीटर, इहदा मतलब आयत का खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 6.5 × 1 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों ने गुणा किया 6.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। हुण देखो हिस्सा तीन, तीन की अपने को समलंब चतुर्भुज। हुण देखो इहदा खेत्रफल कढ़ने लई की कीता मैं, देखो इस हिस्से नूं मैं इधर ड्रॉ कर लिया, 1 सेंटीमीटर थले 2 सेंटीमीटर उन्होंने कहा सीगा टोटल। ठीक है, ये मैं कर लिया तो अद कर लिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इन्हों बिंदुओं मैं ये मिला लिया। जो आप मिलावे ये सारिया अपने को सम त्रिभुजा बननिया आ। ठीक है, यदि हर एक भुजा बराबर होनी है, मतलब इस समलंब में आप 3 हिस्सों से बदल लिया, एक आ त्रिभुज, एक ए, एक ए, हर एक की भुजा अपने को 1 सेंटीमीटर आनी है। ठीक है, जे मतलब एक त्रिभुज का खेत्रफल कर लिया मतलब तीनों का खेत्रफल आ जाना। हम देखो सम त्रिभुज का खेत्रफल, यदि हर एक भुजा कितनी है अपने को एक फॉर्मूला होंगे अपने को सम त्रिभुज का खेत्रफल कढ़ने का, वर्गमूल 3/4 भुजा की पावर 2। तुम ये फॉर्मूला भी ला सकते हैं, तुम हीरो फॉर्मूला भी ला सकते हैं, हीरो का सूत्र भी ला सकते हैं कढ़ने लिए। मैंने फॉर्मूला पता सीगा, मैं फॉर्मूला लगा लिया। जे तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा, कोई चक्कर नहीं है, तुम हीरो सूत्र ना कट सकते हैं, मतलब ए बी सी तीनों का मुल 1 सेंटीमीटर आ जाना, आंसर सेम ही आना है। जो तुम लास्ट हीरो सूत्र ना भी करोगे, यह फॉर्मूला कितना है 3/3/4 वर्ग सेंटीमीटर, इन्ना ही थोड़े को सॉरी इन्ना आएगा अपने को वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। हम देखो हिस्सा तीन किस पूरी समलंब, मतलब ये समलंब का खेत्रफल कि आना है, कि 3 हिस्से हो गए। जिहड़ा आपां सम चित्र त्रिभुज का खेत्रफल कढ़िया सी उहनूं 3 नाल गुणा कर लो, क्योंकि 3 अपने को त्रिभुज आ, उहनां 3 नाल गुणा कर लिया कि आ गया अपने को 3/3/4 वर्ग सेंटीमीटर। हुण हिस्सा 4 देखो, हिस्सा 4 की अपने को आह वाला हिस्सा तो आह वाला हिस्सा पंजवा जिहड़ा हिस्सा, दोनों बराबर हिस्से ही है ना। देखो ये की आएगा 90° का कोण, इहदा लंब हो गया 6 सेंटीमीटर, आधार हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इहदा मतलब जे मैं इस त्रिभुज का खेत्रफल कढूंगी तो यह कि अपने को समकोणी त्रिभुज का खेत्रफल पता, तो 1/2 × 2 × 1/2 × 2 आधार देखो कि आ रहा, आधार 1.5 तो लंब कि आ रहा 6। ठीक है, वो लिख लिया 1/2 × आधार 1.5 तो लंब कि आ गया 6, कटिंग होगी 4.5 सेंटीमीटर। हम जो हिस्सा 5 सीगा तो हिस्सा जोड़ा 4 आ, दोनों का खेत्रफल बराबर होना आ। देखो मैं हिस्से 4 का खेत्रफल कर लिया, हिस्से 5 का खेत्रफल भी यही होगा। हवाई जहाज़ का खेत्रफल की होना, जिन्हें भी तुम सारे हिस्सों का खेत्रफल कढ़िया सारा ने जोड़ लेना, पहले हिस्से का खेत्रफल, दूजे का, तीजे का, चौथे का, पंजे का। हम देखो ये इन्ना ए वाला हिस्सा इदा ही आ गया 6.5, 4.5 से 4.5 जोड़ के 15.5 आ गया, आ वाला भी इदा आ गया। ठीक है, इनू आंसर तुम इतने भी छड़ सकते हैं, जहाँ जो तुम वर्गमूल सॉल्व करना है, हल करना है, तो वर्गमूल हल करके सारे पॉइंट आंसर कट के भी हल कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा आंसर इतने तक ठीक है, पिछे इकाइया वर्ग सेंटीमीटर।